तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे 29 अगस्त का सेट नंबर सेकंड। इसके पहले हम 5 पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 27 का पूरा कर चुके हैं, 28 का कर चुके हैं, 29 का जो है एक कर चुके हैं, आज दूसरा करेंगे। तो इस तरीके से हमारा पेपर नंबर 6 है जो क्वेश्चन देखते हैं आज का जो है हम सॉल्व करते हैं पेपर। क्वेश्चन नंबर 76, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश का पेपर 76 से स्टार्ट होकर 100 तक आता है, तो 76 में आपको बताना क्या है बेस्ट एक्सप्रेस। आपका वर्ड है रिवाइल। रिवाइल बहुत कॉमन वर्ड नहीं है, बहुत आम यूज वाला वर्ड नहीं है, आम यूज वाला जो वर्ड है इसका उसी का जो है आपको बेस्ट एक्सप्रेस करके बताना है। मैं अभी बताता हूँ, जैसे रिवाइल, रिवाइल का क्या मतलब होता है, गाली देना होता है। रिवाइल का मतलब होता है गाली देना, और इसका जो कॉमन यूज वाला वर्ड है वो होता है ये भी यूज, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया है। अब आप यहाँ पे एक बात ये चेक कर लीजिए कि क्या आपको बाकी सारे ऑप्शन भी आते हैं, जैसे रिवाइव, रिवाइव का मतलब होता है पुनर्जीवित करना, पुनर्जीवित करना। रिव्यू मतलब होता है दोबारा देखना, और रिवील का क्या मतलब होता है उगल देना, कुछ आपके अंदर है कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो उगल देना, रिवील कर देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77, 77 में क्या होगा, अब सिनोनिम पूछ लिया, अब 77 में आपको क्या अपोजिट बताना होगा, बोले तो एंटोनिम्स। स्क्वांडर, स्क्वांडर का मतलब होता है खर्च करना, जैसे आपके पास पैसा वर्षा है तो वो बहुत ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो, तो खर्च करना, बहुत ज़्यादा खर्च करना, बहुत ज़्यादा खर्च करना। अब आपको ऑप्शन देखना होगा, स्पेंड मतलब क्या होता है, खर्च करना होता है, ठीक है, तो ये इसका तो सिनोनिम्स हो गया। रिड्यूस कम करना होता है, कम करना, कोई चीज़ कम करना होता है, जैसे ज़्यादा है उसको कम करना होगा, मतलब पैसा वगैरह खर्च करना नहीं, जैसे ये है इतना बड़ा है इसको रिड्यूस करके छोटा पार्ट में कर दो, तो रिड्यूस करना उस सेंस में आता है। स्लैंडर, स्लैंडर का मतलब ये होता है जैसे कि आप किसी कैरेक्टर वगैरह पे दाग लगा रहे हो या उसके विषय में कुछ बोल रहे हो, मैलिगन कर रहे हो, तो मलिन कर रहे हो, जैसे किसी का कैरेक्टर वगैरह है उसके ऊपर छींटाकशी कर रहे हो, स्लैंडर का मतलब ऐसे समझ सकते हो छींटाकशी करना, छींटाकशी करना। तो स्लैंडर एक अलग सा वर्ड हो गया, ठीक है, और ये आपके स्क्वांडर में नहीं आएगा। अब फोर्थ जो है स्कीम आपका वर्ड है, तो स्कीम का जो मतलब होता है वो होता है कि कम यूज़ करना किसी चीज़ का, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो आपका जो है पैसा हो, कोई भी चीज़ ऐसा हो, मतलब टाइम पैसा वगैरह जिसको आप कम यूज़ कर रहे हो तो बोलते हैं उसको स्कीम। तो स्कीम इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, स्क्वांडर आप खर्च कर रहे हो, स्कीम आप कम खर्च कर रहे हो, चाहे वो पैसा हो चाहे टाइम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 में आपको बताना क्या है, स्पेलिंग, सेंचुरीज की स्पेलिंग आपको बतानी है, इसका मतलब होता है अभ्यारण्य, और सेंचुरीज की स्पेलिंग जो है वो आपके फोर्थ पार्ट में सही दिया रखा है, SANCTURIES, ध्यान रखिएगा कि TU होता है टे नहीं, सेंचुरीज, ठीक है, और टी से पहले सी लगा रहता है, यहाँ पे यही गड़बड़ किया, एक में टी यू तो दिया है, सी पहले नहीं लगाया, यहाँ पे सी और यू दोनों साथ में है, तो ये सही है, तो ध्यान रखिएगा सेंचुरीज की स्पेलिंग, सी पहले लगता है फिर टी के बाद यू, सी टी यू आता है, देन ARIES, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, अब आपको क्या करना है, सेंटेंस में इरर फाइंड आउट करना है कि कौन से पार्ट में है, ABCD आपका नो इरर रहता है। He had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday. He had already sent me a message. आप ए पार्ट को ध्यान से देखिए, He had already sent me message. Message, उसने क्या बोला, मैसेज। अब मैसेज के पहले देख रहे हो यहाँ पे एक आर्टिकल मिसिंग है कि He had already sent me a message that his arrival was scheduled for Thursday. उसने मुझे पहले से ही एक मैसेज भेज रखा है कि वो उसका जो अराइवल है थर्सडे को शेड्यूल है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल ए मिसिंग है। ये जब हम आर्टिकल अभी हमने कर नहीं रखा है, जब आर्टिकल अभी करेंगे हम तो वहाँ पे ये चीज़ सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल लगाते हैं, कहाँ कहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाते हैं डिटेल में, लेकिन यहाँ पे एक जनरल सेंस में समझिए, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी ए मैसेज दैट हिज अराइवल वॉज शेड्यूल्ड फॉर थर्सडे, तो यहाँ पे ए पार्ट में इरर है। क्वेश्चन नंबर 80, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दियर फॉलआउट्स डू नॉट कम्प्लीट ह्यूमन कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दियर फॉलआउट्स, ये यहाँ पे गड़बड़ी है, दियर नहीं होगा, क्या होगा, इट्स फॉलआउट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए क्या आएगा, दियर नहीं आएगा, इट्स आएगा। अभी हम प्रोनाउन वगैरह का चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे, एक बार हम कर चुके हैं, जिन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट मेरे पुराने हैं उनको ये पता होगा कि हम इट्स यहाँ पे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए हम दियर इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट्स। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 81, द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। देखो एक तो ये चीज़ है, पैरेललिज्म का क्वेश्चन आता है, पैरेललिज्म का एक क्वेश्चन आता है अक्सर करके, तो पैरेललिज्म एक आपकी अलग टॉपिक है, और दूसरा चीज़ आप इसको जनरल सेंस में भी समझ सकते हैं कि द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स फ्लाइज ए शॉर्ट
डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। तो यहाँ पे जो फ्लैप है उसमें क्या आना चाहिए, एस, क्योंकि द एंग्री बर्ड का मतलब क्या हो रहा है कि एक क्रोधित पक्षी, सिर्फ यहाँ पे एक की बात कर रहा है कि द एंग्री बर्ड, कोई बर्ड है वो द जब लगाते हैं तो हम किसी को पर्टिकुलराइज कर रहे होते हैं, मतलब कि पर्टिकुलर किसी बर्ड की बात कर रहे हैं जो क्रोधित है। बहुत सारी बर्ड हो सकती है लेकिन द एंग्री बर्ड की बात कर रहे हैं, तो द का इस्तेमाल हम जब पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे होते हैं, जैसे मान लो बहुत सारा इसमें बर्ड्स है, बहुत सारी बर्ड्स उड़ रही है या कुछ भी हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम किसी एक की बात करना चाह रहे हो तो हम लगाते हैं द, द एंग्री बर्ड, ये बर्ड क्या है, क्रोधित है। द एंग्री बर्ड मतलब पर्टिकुलर एक की बात कर रहे हैं, बर्ड्स। फ्लैप, तो इसका क्या हो गया, सिंगुलर आपका जो है नाउन हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फ्लैप्स। और एक चीज और होती है कि पैरेलिज्म में आप पढ़ोगे कि यहाँ पे जैसे फ्लैप्स इस्तेमाल है, यहाँ पे जो है फ्लाइज इस्तेमाल है, यहाँ पे रिटर्न्स, तो ये एक सुर में अगर पढ़ते वक्त आपके आए, जैसे कि एस फॉर्म इस्तेमाल है सब जगह, एस फॉर्म, आईएनजी इस्तेमाल है तो आईएनजी, तो इस तरीके से पैरेललिज्म में एक नई चीज चल के सीखेंगे अभी हम। इसके बाद जैसे ही हमारा ग्रामर का क्लास खत्म हो रहा है तो उसमें कुछ चैप्टर के बाद पैरेललिज्म वगैरह भी हम स्टार्ट करेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक होता है और जल्दी खत्म हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन क्या है, ए में इरर है, फ्लैप की जगह क्या होना चाहिए था, फ्लैप्स। क्वेश्चन नंबर 82, द क्लॉक हैज रन डाउन फॉर वॉन्ट ऑफ वाइंडिंग, रन शॉर्ट, रन पास, रन अप। अब देखो ये हमारा क्या है, ये फ्रीजल वर्ब। तो ये फ्रीजल वर्ब है, यही हम सीख रहे हैं अभी, अभी हम यहां तक पहुंचे नहीं है। तो रन डाउन का मतलब क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए, रन डाउन का मतलब पता होना चाहिए, रन डाउन का मतलब होता है मंद होना। रन शॉर्ट का मतलब क्या होना है, रन शॉर्ट कोई चीज की कमी पड़ रही हो, कमी पड़ना। रन पास का मतलब क्या होता है, पीछे चलना। और रन अप का क्या मतलब होता है, जमा करना, जमा करना। इसके कई सारे यूजेज होते हैं, सेंस होते हैं। अब यहाँ पे लिखो द क्लॉक हैज सॉरी द क्लॉक हैज फॉर वॉन्ट ऑफ वाइंडिंग। क्लॉक क्या हुई, घड़ी जो है धीमी पड़ती है अगर उसको वाइंडिंग ना करो, जैसे पहले बोलते नहीं कि चाबी नहीं भरा, चाबी नहीं भरा, तो वाइंडिंग अगर नहीं कर रहे रन में तो क्या पड़ती है, घड़ी धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ पे मंद पड़ना का ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन क्या होगा, वन होगा, रन डाउन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, कि जब हम चाबी नहीं भरते हैं तो घड़ी हमारी क्या होती है, धीमे पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 83, फ्यू पीपुल नो दैट फ्लावर्स यूज टेक्सचर टू डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। यहाँ पे आपको एक जनरल सेंस में पता होना चाहिए कि जो फ्लावर्स है वो टेक्सचर का इस्तेमाल करती है, क्या करने के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। एक तो यहाँ पे दो ऑप्शन आप ले सकते हो, जैसे अट्रैक्ट एंड डिस्ट्रैक्ट। तो आपको जनरल चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि टेक्सचर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ये थोड़ा आपका बायोलॉजी का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो है अट्रैक्ट ऑप्शन में आएगा कि वो अट्रैक्ट करती है, टेक्सचर का इस्तेमाल करती है ताकि वो इंसेक्ट को अटैक कर सके, अटैक सॉरी नहीं अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके। द एबंडेंट सॉरी दे अबेंडेंट दियर कमरेड्स द वुल्व्स बाई बिटवीन ऑन एमंग। अब ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, एबेंडेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, एबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, बाधित कर देना, कई सारे सेंस में इस्तेमाल होता है। तो वो अपने कमरेड्स, कमरेड्स का मतलब क्या होता है, साथी। ये ज़्यादातर आर्मी वगैरह, आर्मी पर्सनल वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे आप जनरल सेंस में समझिए कि साथी की बात कर रही है। तो दे वो अपने साथी को छोड़ दिए, द उल्व्स किसके बीच में, उल्व्स के बीच में। तो यहाँ पे दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम इस्तेमाल करेंगे क्या, एमंग। अब देख रहे हैं पेपर किस तरीके से आता है और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ज्यादातर चीजें हैं जो है मेरी जितनी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, 3-4 क्वेश्चन तो आपको हर सेट में डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिल जा रहा है। तो अभी क्लासेस ही कितनी हुई है, 8-9, अभी एक बार क्लासेस तो होने दीजिए, आपको ये सारी चीजें बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलेगी। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा पंगा पड़ेगा आपका 25 में से जो आपको थोड़ा सा ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लासेस से वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी। क्लासेस का मतलब क्या हुआ कि पेपर्स प्लस ग्रामर प्लस वोकैब सेक्शन, ये पूरा का पूरा तीनों अगर आपके कंप्लीट है तो आप आराम से 45 नंबर के आसपास तो स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 85, अब आपको बताना है ईडियम, ईडियम का मतलब फॉर कीप्स, फॉर कीप्स का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर कीप, कीप मतलब रखना होता है, फॉर कीप्स मतलब हमेशा के लिए रख लो, तो इसका मतलब हो गया फॉर एवर। तो ध्यान रखना कि फॉर कीप्स का मतलब क्या होता है, फॉर एवर, ये नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा ऐसा फ्रेज है जो जल्दी अक्सर करके कोई याद नहीं करता है और ये पूछ दिया गया है, तो इसको स्टूडेंट जनरल सेंस में भी वो करके, ये जैसे इस तरीके का अगर क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ पे जनरल सेंस अगर यूज करो तो ही निकल पाता है, अदरवाइज ये वर्ड्स ये फ्रेज वगैरह कोई जल्दी पढ़ता नहीं है। फॉर कीप्स का मतलब हो गया फॉर एवर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 86 है, पेल इंटू इनसिग्निफिकेंस। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ लेस इंपॉर्टेंट हो रही है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया है सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विथ वन वॉयस। विथ वन वॉयस का मतलब होता है एक आवाज़ में, मतलब यूनानिमसली। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। ये सब ईडियम्स है, आपके डायरेक्ट मीनिंग पता होनी चाहिए। अभी हम जब ईडियम्स कर रहे हैं उसमें सारे के सारे वापस से हम करेंगे। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव 88 है क्वेश्चन है, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस एंड क्लिक बटन करस्पॉन्डिंग टू इट। यहाँ पे आपको क्या बताना है, अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ड्रग विच कॉजेज पीपल टू स्लीप इजिली, मतलब एक ऐसे ड्रग जो जो है आदमी को नींद दिलाता हो, किसी को नींद ना आ रही हो तो उसको अगर वो ड्रग दे दो तो नींद आ जाए, तो वो बताना है आपको ड्रग को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है पॉपी। पॉपी का मतलब होता है पोस्ता, ठीक है। स्पोरफिक, यही वो ड्रग है। स्पोरफिक जो है एक ऐसी ड्रग होती है जो स्लीप दिलाने के काम आती है, इस्तेमाल की जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, स्पोरफिक। बिगाइल, बिगाइल का भी मतलब आप जान लो, यहाँ पे ये भी आता है बहुत सिनोनिम्स में, ये आ जाएगा एंटोनिम में, धोखेबाज होता है बिगाइल का मतलब। पिडांट, पिडांट का मतलब होता है रूढ़िवादी या बहुत ज़्यादा जो नॉलेज दिखाने वाला होता है, ठीक है, कि एक ऐसा आदमी जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, दिखावा कर रहा हो, पंडिताऊ इसको जैसे बोलते हैं, पिडांट का मतलब होता है पंडिताऊ, कि जो शो करे कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज है। जो पंडित लोग नहीं होते हैं, आते हैं कि मेरे पास नॉलेज ही नॉलेज है, नॉलेज ही नॉलेज, तो पीडांट तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो शो करे नॉलेज का, आडंबर करे एक तरीके से। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी 89 है, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ब्यूटी स्पेशली इन आर्ट। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी की एक ऐसी ब्रांच बतानी है जो कंसर्न्ड हो किससे, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी, जिसमें अध्ययन कर रहे हो आप किसकी, सौंदर्य के प्रिंसिपल्स की, स्पेशली इन आर्ट। अब इसका जो मतलब होता है वो होता है, ये जो ब्रांच होती है वो होती है एस्थेटिक्स। क्या होती है, एस्थेटिक्स, जो फिलॉसफी की एक ब्रांच होती है जो प्रिंसिपल ब्यूटी और आर्ट वगैरह के विषय में स्टडी करती है। आर्टिस्टिक, आर्टिस्टिक का मतलब तो आप लोग को पता होगा कि कलात्मक होता है, अगर हिंदी में बात करें तो आर्टिस्ट, आर्टिस्टिक। इथिक्स, इथिक्स जानते हो ना, मॉरल बिहेवियर को हम बोलते हैं इथिक्स। मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स पता है क्या होता है, मेटाफिजिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम जैसे कोई कंपोनेंट अगर हो, कोई कंपोनेंट हो तो वो किस कंपोनेंट से बना है, इस तरीके की हम थ्योरी पोस्टुलेट कर रहे हो, थ्योरी बता रहे हो कि ये चीज़ बता है। इसको अगर हिंदी में बात करें, मेटाफिजिक्स को बोलते हैं तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा, इसकी शुद्ध हिंदी होती है तत्व मीमांसा, कि हम इसमें थ्योरी बता रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई होगी, इस पार्टिकल से बना होगा, तो हम उसके कहाँ से उसकी ओरिजिन हुई है, किस किन पार्टिकल से बना है, इस तरीके की जो है प्रिंसिपल, इस तरीके की बातचीत कर रहे होते हैं, थ्योरी दे रहे होते हैं हम यहाँ पे मेटाफिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर 90, द स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं। स्टडी, देखो अभी हमने लॉजी वाला जो है वर्ड पढ़ा नहीं है, क्या लॉजी रूट वर्ड पढ़ा नहीं है, अभी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रूट वर्ड्स कर रहे हैं, तो लॉजी एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्टडी। अब आपको लॉजी का मतलब स्टडी, अब आपको ढूंढना क्या, स्किन, स्किन डर्म या फिर डर्मा बोलते हैं स्किन को, तो आपको डर्मालॉजी या डर्मेटोलॉजी ऐसी तरह का कोई वर्ड मिले तो होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले में लिखा है डर्मेटोलॉजी, तो लॉजी देख के ही आप यहाँ पे सही इसे मार देंगे, क्योंकि लॉजी कई सारे में होता है तो कन्फ्यूज होते हैं, हाँ यहाँ पे लॉजी है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है, ट्यूमर, जो ट्यूमर्स नहीं होती है, ट्यूमर्स के अध्ययन को बोलते हैं ऑन्कोलॉजी। अब यहाँ पे दो और वर्ड है, डर्मेटोग्लिफिक्स और एक वर्ड है स्ट्रेटिग्राफी। अब क्या होता है, ड्रामेटोग्लिफिक्स का मतलब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये होता है जैसे आपका हाथ नहीं होता, तो इसमें फिंगर, हाथ का शेप और हाथ से रिलेटेड चीज़ों की जो स्टडी होती है उसको ड्रामेटोग्लिफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे फिंगर की स्टडी करते हैं, हाथ में स्टडी करते हैं और इसके शेप की, कि हाथ का शेप वगैरह कैसा है, तो वो उस ब्रांच को बोलते हैं ड्रामेटोग्लिफिक्स। और स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है, स्ट्रेटिग्राफी होता है जो है एक स्टाटा होता है, स्टाटा मतलब होता है अस्तर। तो जब हम स्तर की अध्ययन करते हैं, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट नहीं होते हैं वो क्या करते हैं कि कई सारे अस्तर बने होते हैं, तो उन अस्तर की जो है जो अर्थ हमारा है कई सारे अस्तर से बना होता है, तो उनका अध्ययन करते हैं, तो स्ट्रेटिग्राफी उन अस्तर का अध्ययन होता है, जैसे कि रॉक्स हो गया उसके कई सारे अस्तर बने हुए हैं, तो उनका जो अध्ययन होता है वो स्ट्रेटिग्राफी के अंदर आता है। अब बात करते हैं 91 की। 91 में क्या करना है कि आपका एक अंडरलाइन पार्ट दिया हुआ है, अंडरलाइन पार्ट को करेक्ट करना है। सबसे पहला है सी हैज दैट, 91 है, सी हैज दैट रेयर कैरेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपुल, सी हैज दैट रेयर कैरेक्टर
द एबिलिटी टू लिसन टू पीपुल। अब जो रियर करेक्टर इस पे अंडरलाइन है और आपको करेक्ट करना है कि इसकी जगह कोई और सुटेबल वर्ड है जो यहाँ पे डाल के हम इसको सेंटेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रेयर ईयर सी हैज दैट रेयर ईयर, रेयर कैरेक्टर ये यूज होता है आप लोग को पता ही होगा। अब रेयर ईयर तो आपने लोगों ने सुना नहीं होगा। अब रेयर कैरेक्टर बोलते हैं या कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, आप इन चीज में कंफ्यूज हो गए तो मैं बता दूं, रेयर कैरेक्टरिस्टिक नहीं रेयर कैरेक्टर बोलते हैं। रेयर सेंस, रेयर सेंस हम ऐसे जल्द मतलब जनरल बोलते हैं, रेयर सेंस होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है रेयर कैरेक्टर फिट वर्ड है और यहाँ पे क्या है, नो इम्प्रूवमेंट जाएगा। सी हैज दैट रेयर कैरेक्टर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। इसको कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। अभी जैसे हमारा जो है ग्रामर का पूरा पोर्शन हुआ नहीं है, तो आगे क्लासेस में जब चलेंगे तो हम इस चीज़ों के विषय में और डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसके बेसिक और बारीकी पे भी अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, बॉथ ऑफ देम हैव नॉट अपोलोजाइज्ड येट। अब यार 92 क्वेश्चन, अगर मैं बात करूँ जैसे कुछ स्टूडेंट हैं अंकित राकेश रे, मुझे लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैं ये रूल ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि बॉथ ऑफ देम हैव नॉट, बॉथ ऑफ देम जब हम बॉथ का यूज करते हैं तो नॉट नहीं यूज होता है, तब हम क्या करते हैं नाइदर ऑफ देम, क्या यूज करते हैं नाइदर ऑफ देम, और नाइदर के साथ हम क्या लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, नाइदर ऑफ देम हैज, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो ये हम चल के आगे अभी पढ़ेंगे, और जो स्टूडेंट बिल्कुल पुराने वाले स्टूडेंट हैं उनको याद होगा ये रूल्स मैंने सीधा सीधा बताया था कि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। तो देख रहे हैं कि रूल्स सीधा सीधा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। जो एग्जेक्टिव का चैप्टर पढ़े होंगे स्टूडेंट उनको भी ये सीधे सीधे पता होगा कि क्या होता है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस ऐसे होता है, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। आर्टिकल पहले के साथ यूज की हो, इसमें क्या होता है ना कि एक कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो पैरेलली दूसरी भी साथ में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो आर्टिकल द यूज किए तो इसके साथ भी हम ये फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं, द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 94, हिज अपॉइंटमेंट एज कोच इज येट अनदर फीदर इन हिज विंग। आपको याद होगा फीदर इन हिज विंग होता है या फीदर इन हिज कैप हैट क्या होता है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही अगर आपने सही से जो है ईडीएम वाली क्लासेस देखी होगी तो मैंने बताया होगा फीदर इन हिज कैप होता है, फीदर इन हिज कैप होता है, इसका मतलब होता है एडिशनल सक्सेस, तो फीदर इन हिज कैप सही फ्रेज है। अब देख रहे हो किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीपोजिशन चार्ट पे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेजल वर्ब पे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ईडीएम पे, ईडीएम डायरेक्ट भी दे रहा है, ईडीएम क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन जब तक आपको करेक्ट ईडीएम पता नहीं हो आप करेक्ट नहीं कर पाओगे। फीदर इन हिज कैप, आप सोचोगे कि इन हिज विंग में क्या प्रॉब्लम है, इन हिज हैट में क्या प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, द मेजोरिटी ऑफ रेन फेड इंडियन रिवर्स आइदर ड्राई अप और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मानसून। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट था वो है ट्रिकल के नीचे अंडरलाइन पार्ट बनाया गया है कि आपको ट्रिकल के साथ इस्तेमाल करना है, द ट्रिकल ए ट्रिकल एंड ट्रिकल। सबसे पहले तो इसकी मीनिंग समझिए, द मेजोरिटी ऑफ द रेन फेड इंडियन रिवर, जो ज़्यादातर नदियाँ हैं जिसमें पानी भरा हुआ करता था, आइदर ड्राइड अप या सूख गई है और बिकम ट्रिकल आफ्टर द मानसून, मानसून के बाद। तो यहाँ पे आपको ये देखना है, सबसे पहले ट्रिकल का मतलब समझिए, ट्रिकल का मतलब होता है जैसे अगर छोटी नदी हो, बहुत छोटी सी नदी हो जो गर्मी वगैरह में सूख जाती है, तो उसमें जो फ्लो हो रहा होता है वर्ब की तरह अगर हम ट्रिकल का इस्तेमाल करते हो तो उस फ्लो को बोलते हैं ट्रिकल, और अगर नाउन की तरह इस्तेमाल करें तो उस छोटी सी नदी को ही ट्रिकल बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको आर्टिकल लगाना है, यहाँ पे इस्तेमाल होगा नाउन, आइदर ड्राइड अप या तो सूख गई है या तो बिकम ट्रिकल, वो छोटी नदी बन गई, या तो सूख गई है या तो वो छोटी नदी बन गई है, तो ट्रिकल के पहले लगाना आर्टिकल। अब टी है तो आप एन नहीं लगाओगे, ऑप्शन ये काट कर दोगे। अब आप ए यूज करो या द, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आर्टिकल वाले चैप्टर में इसको और डिटेल में देखेंगे, यहाँ शॉर्ट में समझिए कि अब आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर छोटी फॉर्म को पर्टिकुलराइज सेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो कि या तो वो सूख गई है या तो उस पर्टिकुलर छोटी सी नदी में बदल गई है, तो इसके लिए आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, द मेजोरिटी ऑफ रेन फेड इंडियन रिवर्स आइदर ड्राइड अप और बिकम द ट्रिकल, मतलब यहाँ पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं, या तो सूख गई है या तो वो छोटे टुकड़े में बदल गई है नदी के, ये जो है द ट्रिकल का मतलब हो गया वो नदी का छोटा टुकड़ा आफ्टर द मानसून। ध्यान रखिएगा ट्रिकल आफ्टर ये
आफ्टर ट्रिकल के साथ नहीं आया, ये मानसून के बाद वाली सेंस में आया। यहाँ पे ट्रिकल नाउन के सेंस में इस्तेमाल होगा, द ट्रिकल करके। द ट्रिकल का मतलब ये भी समझ लीजिएगा कि एक तो पर्टिकुलर सेंस होता है, और जब किसी के पहले द लगाते हैं तो पूरा का पूरा क्लास बता रहे होते हैं। क्या बता रहे होते हैं? पूरा का पूरा क्लास बता रहे होते हैं। तो जब हम द ट्रिकल लिखें तो द ट्रिकल का मतलब हम उन सारी नदियों की बात कर रहे हैं जो छोटी है। क्या है? जो छोटी है। तो कह यही रहा है कि जो मेजोरिटी ऑफ रेन फेड इंडियन रिवर्स है, तो पूरी की पूरी जो मेजोरिटी है, मतलब कुछ छोड़ को ज्यादातर क्या हुई है, ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई है। तो जब इसके पहले हम दा लगा रहे हैं तो एक इसको इस तरीके समझ रहे हो कि हम पर्टिकुलर उस छोटी सी टुकड़े की बात कर रहे हैं, और दूसरी चीज है कि जब हम ट्रिकल के पहले दा लगाएंगे, जैसे छोटी नदी का टुकड़ा है, तो उन सारी की सारी नदियों की बात करेंगे, क्योंकि दा जब हम किसी कॉमन नाउन के पहले लगाते हैं तो वो पूरा का पूरा क्लास बता देता है कि उन पूरी छोटी नदियां इसके अंदर आ गई, दा ट्रिकल के अंदर। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, आर्टिकल वाले चैप्टर में आके इसको मैं और डिटेल में आपको समझाऊंगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, अब ये 96 जो है आपका पैसेज है। आज का पैसेज डिस्कस करने से पहले मैं पिछले पैसेज की आपको जवाब दे दूं। पिछले पैसेज में 5 क्वेश्चन आया था जिसके मैंने जवाब अभी तक नहीं दिया हुआ है। 91 का जो ऑप्शन था वो था फर्स्ट वाला, 92 का जो ऑप्शन था वो था थर्ड वाला, 93 का जो ऑप्शन था वो था आपका सेकेंड वाला, और 94 का जो ऑप्शन था वो था आपका फोर्थ वाला, और 95 का जो ऑप्शन था सेकंड वाला। 93rd, 94th और 95th डायरेक्ट आपके सीधे सीधे दिख रहे थे। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा ट्रिकी, थोड़ा सा सेंस बेस पे था। एक तो 91 में शायद पूछा गया था कि प्लेइंग डाउन द थ्रेट। प्लेइंग डाउन द थ्रेट का मतलब होता है रिफ्यूजिंग टू एक्नोलेज, इसका फर्स्ट पार्ट में ऑप्शन दिया था, यही वाला सही होगा। एक तरीके से फ्रेज है, आपको पैसेज के हिसाब से सेंस थोड़ा समझ में हो रहा होता है। जैसे कि जो भी नेता वगैरह लोग होते हैं, वो जब उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो अक्सर करके क्या होता है कि जब बीमारी वगैरह हम लोग न्यूज़ पेपर वगैरह बोलते नहीं है, अरे यहाँ पे इतना हो गया, इतना हो गया, तो अक्सर करके नेता लोग, अधिकारी लोग मना कर रहे होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस पैसेज के हिसाब से सेंस इसका यही निकल रहा था। और 92 में दिया हुआ था बैलून। बैलून में जैसे किसी में गुब्बारा में हवा जैसे भर दिया जाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसके थर्ड ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ था कि जो है इंक्रीज ट्रिमेंडसली, कि जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। तो 92 का थर्ड ऑप्शन होगा, 93 का 2, 4 और 5। तो 93, 94, 95 के सीधे सीधे उसमें कीवर्ड दिए हुए थे, इसलिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको। आज का पैसेज करते हैं, ये थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट सा है समझने के लिए, लेकिन अगर जैसे मैं बता रहा हूँ कि टाइप वन पैसेज पूछा जाता है, तो इसमें सिर्फ आप कीवर्ड पकड़ेंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। चलिए पहले एक बार पैसेज पकड़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन इन हाउ वी ईट, एंड इट इज गेटिंग क्लोजर वेरी डे। अब जैसे यहाँ पे देखें ना कि इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन से कम नहीं है। हाउ वी ईट, हम कैसे खाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पैसेज कहीं ना कहीं खाने पर रिलेटेड है। इट इज गेटिंग क्लोजर वेरी डे, एवरी डे, सॉरी, यस, ए लॉट ऑफ पीपल आर ऑप्सी, ऑप्सी मतलब फैट। फिर देख रहे हैं खाना, फैट, मोटापे, इन्हीं सब चीजों से बेस्ड ये पूरा का पूरा पैसेज होगा। पहली लाइन पढ़ के ये समझ में आ जाता है कि पैसेज किस चीज पे बेस्ड है। एंड यस, द डेफिनेशन ऑफ हेल्दी ईटिंग सीम टू चेंज ऑल द टाइम। जो हेल्दी ईटिंग की डेफिनेशन है वो हमेशा चेंज हो रही है। पहले पैराग्राफ से आपको ये पता चल गया कि पैराग्राफ में है क्या। अब उसके बाद क्या है, एक राउंड आप पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन देखिए और कीवर्ड ढूंढ लीजिए कहाँ पे मिलेगा। बट इन लैब एंड रिसर्च सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड साइंटिस्ट आर रेसिंग टू मैच, साइंटिस्ट आर रेसिंग टू मैच आवर जीन्स एंड आवर टेस्ट बड्स, क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर ईच ऑफ अस, ए डाइट दैट विल फाइट डिजीज। अब इसका हिंदी मतलब समझने के बजाय ये समझ लीजिए कि साइंटिस्ट एक रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ मैच कराया जाए ना मैच कराया जाए, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इंक्रीज लॉन्गेविटी, बूस्ट फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस एंड टेस्ट ग्रेट टू बूट, एज फूड साइंटिस्ट जे ब्रूस जर्मन सेज, द फूड्स वी लाइक द मोस्ट विल बी द मोस्ट हेल्दी फॉर अस। यहाँ पे पैराग्राफ वगैरह थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये पैराग्राफ जिस तरीके से चेंज है उसमें है नहीं ऐसा, आपको थोड़ा सा मैच कराना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। तो ये ऐसे करके है, आगे देखते हैं। इज दैट गोइंग टू बी ग्रेट डे और वॉट, ऑल दिस विल कम टू पास। कम टू पास का मतलब मैं बता दूँ, इसका मतलब होता है हैपन, थैंक्स टू जीनोमिक्स द साइंस दैट मैप्स एंड डिस्क्राइब्स। अब यहाँ जीनोमिक्स दिया है और इसका बताया मतलब कि द साइंस क्या है, साइंस दैट मैप्स एंड डिस्क्राइब द इंडिविजुअल जेनेटिक कोड। यहाँ पे जीनोमिक्स की डेफिनेशन भी दी है कि थैंक्स टू जीनोमिक्स द साइंस दैट मैप्स एंड डिस्क्राइब एंड इंडिविजुअल जेनेटिक कोड, इन द फ्यूचर पर्सनलाइज DNA चिप्स विल अलाउ अस टू एक्सेस आवर ओन इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन फॉर सर्टन डिजीजेज। अब यहाँ पे फ्यूचर की भी बात कर दी है, देन एडजस्ट आवर डाइट्स अकॉर्डिंगली। सो इफ यू आर एट रिस्क फॉर हार्ट डिजीज, यू वुड नॉट जस्ट गो ऑन ए जेनरिक लो फैट डाइट, यू विल ईट फूड्स विथ
अब यहाँ पे हार्ट डिजीज की भी बात कर दी है थोड़ी सी, बस इतना ही थोड़ा थोड़ा सेंस लेना होता है। जस्ट द राइट अमाउंट एंड टाइप ऑफ फैट दैट बेस्ट फॉर यू, यू विल इवन बी एबल टू ट्रैक योर मेटाबॉलिज्म डे टू डे टू डिटरमाइन व्हाट फूड यू शुड ईट एट एनी गिवन टाइम फॉर एनी गिवन एक्टिविटी। अब इसको पढ़ के कुछ कुछ वर्ड्स के तो आपके जो कमजोर स्टूडेंट है मतलब कुछ वर्ड के ही मतलब जहन के अंदर आते हैं, तो बस उन्हीं के मतलब समझिए। अभी मैं सिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन के जवाब देते हैं अगर आपको मतलब ना पता हो तो भी। सिंस पीपुल डिफर इन दियर जेनेटिक्स एंड मेटाबोलिज्म वन डाइट वुड नॉट फिट ऑल सीज जर्मन। अभी ऊपर देख रहे थे एक जगह लिखा था जर्मन ब्रूस सेज या ब्रूस जर्मन सेज, और यहाँ पे सेज जर्मन एक अलग तरीके का कीवर्ड आया। एज कॉम्प्लेक्स एज ऑल दिस साउंड्स इट कुड टर्न आउट टू बी रिलेटिवली सिंपल। अब यहाँ तक आपका पैसेज हो गया, आप क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर साइंटिस्ट डूइंग। अब याद होगा जैसे पहला पैराग्राफ खत्म हुआ था दूसरे में यही बात किया जा रहा था कि साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह कुछ कर रहे हैं। अब ऑप्शन पढ़िए, जैसे मैंने पढ़ रखा है तो मुझे थोड़ा सा पता है कि क्या होगा। अब देखो रेसिंग एक वर्ड आया था, रेसिंग इन लैब्स एंड रिसर्च, बात की गई थी ना कि साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं लैब में रिसर्च और रेस कर रहे हैं। देखो ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिया हुआ है सेंटेंस अराउंड द वर्ड, ये पूरा एग्जैक्ट लाइन दिया हुआ था। अब दूसरा चीज है इसमें देख लीजिए, आस्किंग अस टू स्टार्ट डाइटिंग क्रिएटिंग द परफेक्ट डाइट फॉर अस ट्राई एंड मेक अस डॉलर। अब एक बार पैसेज में आप घूम जाइएगा, घूम के देख लीजिएगा कि इसके अलावा क्या इन चीजों को भी दिया हुआ है, तो आप पाएंगे कि टाइप वन पैसेज है तो इनका कोई दूर दूर तक लेना नहीं होगा, टाइप टू होता तो क्लोज मीनिंग रखता, लेकिन ये टाइप वन है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टाइप वन ही आता है। तो अभी आप जो है पैसेज के लिए ज्यादा परेशान मत होइए, बस कीवर्ड पकड़ना सीखिए, हमेशा वो टाइप वन ही आएगा। टीयर टू में चलेंगे तो टाइप टू पे भी डिस्कस करेंगे, वहां पे भी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से कि टाइप टू कैसे पकड़ते हैं। 97 व्हाट डज जे ब्रूस जर्मन सेज, देखो एक जगह लिखा था जर्मन सेज, एक जगह लिखा था जे ब्रूस जर्मन सेज, तो आपको कीवर्ड कहां के लिए जाना है, जे ब्रूस जर्मन सेज। मैं आपको दिखा देता हूं, एक तो यह है सेज जर्मन है, ऊपर आप जाएंगे तो कहीं पे लिखा हुआ था, फिर से पढ़ते हैं, वुड नॉट बी इमिडिएटली एक्टिविटीज डिफर फ्रॉम, यहाँ देखो ऊपर जे ब्रूस जर्मन सेज है, जे ब्रूस जर्मन सेज द फूड वी लाइक द मोस्ट विल बी द मोस्ट हेल्दी फॉर यू, फॉर यू नहीं फॉर एस, ये है और आपको ऑप्शन देखना है कहीं ना कहीं लिखा होगा द फूड वी लाइक इज नॉट हेल्दी फॉर अस, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, द फूड वी लाइक इज द हेल्दीएस्ट वन फॉर अस, द मोस्ट हेल्दी फूड शुड बी लाइक्ड बाई अस, द ऑप्शन सेकंड सही है, यही जर्मन ब्रूस ने कहा था। ठीक है, व्हाट इज जीनोमिक्स, अब मैंने एक जगह वहीं पर रोक के आपको जीनोमिक्स बता दिया था कि जीनोमिक्स की डेफिनेशन भी वहीं दे दी थी। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में द साइंस दैट मैप्स एंड डिस्क्राइब्स एंड इंडिविजुअल जेनेटिक कोड, ये दिया हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया, देख रहे हैं कि कितना पैसेज आसान होता है। वाई वुड नॉट ए कॉमन डाइट फिट एवरीबॉडी, अब यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं पे भी ऐसी बात की गई थी कि जो कॉमन डाइट है क्यों फिट नहीं होती है। तो आप जैसे ही जाएंगे पैसेज के अंदर, ठीक है मैं दोबारा ऊपर नहीं जा रहा हूँ, आप इसको पैसेज में एक बार पॉज करके रोक लीजिएगा, मैं आपको सीधा सीधा जो है यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ था। बिकॉज डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट फूड, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ था। बिकॉज दियर जेनर्स आर डिफरेंट सिंस देयर डिफरेंट जेनेटिक एंड मेटाबॉलिज्म, ये दिया हुआ था एक पैसेज में, सिंस दे आर डिफर इन जेनेटिक्स एंड मेटाबॉलिज्म। आप पैसेज में जाओगे तो आपको सीधे सीधे ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, व्हाट विल बी पॉसिबल इन फ्यूचर, तो एक कीवर्ड था फ्यूचर को लेके, क्या है एक कीवर्ड आप देखोगे तो फ्यूचर की बात की गई थी, जैसे जहां पे मैंने आपको बताया था कि देखो यहाँ पे फ्यूचर की बात की गई है, तो जैसे ही उसके आगे वाली लाइन पढ़ोगे तो ऑप्शन ए आपको सीधे सीधे मिल जाएगा, क्या मिलेगा ऑप्शन ए। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका पैसेज होता है टाइप वन होता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि परेशान मत होइएगा टाइप वन होता है, सिर्फ आपको क्या करना है कीवर्ड पकड़ना है। अगर टाइप टू टाइप थ्री आता तो जरूर मैं आपको टाइप टू टाइप थ्री टाइप फोर डिस्कस कर देता, अभी एग्जाम बिल्कुल नजदीक है तो टाइप वन से आप काम चलाइए, जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा तो वैसे टाइप टू थ्री फोर कई टाइप के आते हैं वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो पैसेज टीयर वन का बहुत ईजी रहता है, आपको सिर्फ कीवर्ड पकड़ना होता है, अगर आपको मीनिंग ना भी पता हो तो भी आप आराम से निकाल सकते हैं। सो ये रहा टेस्ट पेपर आज का, अगले जो है इस सीरीज में अगला टेस्ट पेपर लेंगे और आपको हम ये दिखाते रहेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं, और पेपर से होके गुजरिए, पेपर मिस मत कीजिए। कुछ स्टूडेंट पेपर मिस कर रहे हैं, उनको लगता है कि अरे इजी पेपर है या फिर पेपर है, इतना सारा पेपर क्यों लगाए, जो ग्रामर पढ़ रहे हो जो वो पढ़ रहे हो, और जो ये आपका है ये आपका प्रैक्टिस सेशन है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कैसे करना है और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाता है ये आपको पेपर ही बताता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल रही होती है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है जब आपको ये क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कॉन्फिडेंस लेवल। अभी मैं कुछ एक आध दिन बाद या दो दिन बाद आपको एक वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बना के दूंगा 5-7 मिनट की, जिससे आप ये चीज समझ सके कि आखिरी 10 या 15 दिन या 20 दिन 30 दिन में जो प्रेशर क्रिएट होता है उस प्रेशर को आप न्यूट्रलाइज कैसे करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधे से ज्यादा स्टूडेंट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है लेकिन प्रेशर के मारे उनके मार्क्स कम से कम 20-25
के आसपास रिड्यूस हो जाते हैं, 10 तो कम से कम में रिड्यूस हो जाते हैं, 150 को स्कोर करा तो 160 स्कोर करता है, तो प्रेशर अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।